सुप्रभात, मेरा नाम जैस्मिन जोले है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मोना मॉडर्न अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सारंगढ़ है और आज मैं आप सभी के समक्ष संधि के बारे में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। संधि दो ध्वनियों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। जब ध्वनियों के मिल जाने के बाद उन्हें अलग करने की क्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर के बाद स्वर अथवा व्यंजन के आने से स्वर में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, जैसे राम धन अवतार, राम अवतार। स्वर संधि के मुख्यतः पांच भेद होते हैं, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, अयाधि संधि एवं वृद्धि संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, जैसे परिधनमान, परिमाण। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, जैसे नमः धनकार, नमस्कार, धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम प्रिंति केशरवानी है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ और आज का मेरा विषय है संधि। दो ध्वनियों के परस्पर मेल से जो शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं। उदाहरण, हिमधन आलय बराबर हिमालय, जगत धन अम्बा बराबर जगदम्बा। इसी प्रकार संधि को तीन भागों में विभाजित किया गया है, स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। स्वर संधि, दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के आने से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग पे जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम भावी पांडे है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मोना मॉडर्न अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सारंगढ़ है। मैं आपको आज संधि के बारे में बताने जा रही हूँ। संधि, दो ध्वनियों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। संधि विच्छेद, दो शब्दों को अलग अलग कर जो पहली वाली स्थिति संधि की उसमें पहुंचाया जाए वो संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के मुख्यतः पांच भेद होते हैं, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि के उदाहरण हिमधन आलय हिमालय, देवधन आलय देवालय। गुण संधि के उदाहरण रमाधन ईस रमेश, राजाधन इंद्र राजेंद्र। वृद्धि संधि, एक धन एक, एकैक, महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य। यण संधि के उदाहरण अतिधन अधिक अत्यधिक, देवी धन आलय देव्यालय। अयादि संधि के उदाहरण नय धन अक नायक, गय धन इका गायिका। व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद स्वरों और स्वर या व्यंजन से आने वाले जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन के आने से जो विसर्ग में परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्राची देवांगन है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ और आज का मेरा विषय है संधि। दो ध्वनियों के परस्पर मेल से जो शब्द बनता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फर्स्ट, स्वर संधि, दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में दो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। धन्यवाद।
सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम वंशा है। मैं कक्षा सातवीं का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मोना मॉडर्न अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सारंगढ़ है। मैं आज आपके सामने संधि पर प्रस्तुतिकरण देने जा रहा हूँ, सो कृपया करके देखता है। उसे संधि कहते हैं। संधि मेलित तीन प्रकार के होते हैं, व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि। दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होते हैं उसे स्वर संधि कहा जाता है। स्वर संधि के पांच भेद हैं, दीर्घ संधि, गूढ़ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादि संधि। व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। विसर्ग संधि, विसर्ग के आने से यदि किसी स्वर या व्यंजन में परिवर्तन होता है तो उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम पूजिता रेड्डी, मैं कक्षा सातवीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मोना मॉडर्न इंग्लिश मीडियम है और आज का मेरा विषय संधि। दो ध्वनियों के परस्पर मेल से जो शब्द बनते हैं उसे संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, दो स्वरों का मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के निम्नलिखित पांच भेद हैं, दीर्घ संधि, गूढ़ संधि, व्यर संधि, यर संधि, आयादि संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर का व्यंजन आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होते हैं उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसको विसर्ग संधि कहते हैं। धन्यवाद। सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अंकिता पटेल है। मैं कक्षा सातवीं की छात्रा हूँ और मेरे विद्यालय का नाम मोना मॉडर्न अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सारंगढ़ है और मेरा आज का विषय संधि है। दो ध्वनि के परस्पर मेल से जो शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं। संधि के मुख्य तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर संधि के मुख्य पांच भेद हैं, दीर्घ संधि, गूढ़ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादि संधि। दीर्घ संधि, जैसे अधन आ से मिलकर आ बनता है वैसे देव धन आलय, इससे देवालय बन रहा है। दूसरा गुड़ संधि, और ई से मिलकर ए बनता है वैसे गढ़ धन ईस, इससे बन रहा है गणेश। तीसरा वृद्धि संधि, आधन ए से ए बन रहा है वैसे सदा धन एव, इससे सदैव बन रहा है। चौथा यण संधि, ईधन या से या बन रहा है इससे अतिधन आचार से अत्याचार बन रहा है। पांचवा आयादि संधि, ए धन ई से आई बन रहा है जैसे नय धन ईका से नायिका बन रहा है। संधि में और दो संधि होते हैं, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। धन्यवाद।